भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हाउसिंग बोर्ड की महिला समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने यहां महिलाओं का उत्साह वर्धन किया और महिला समिति द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की बिक्री में भरपूर सहयोग करने की बातें कही। विधानसभा सत्र होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव हाउसिंग बोर्ड की महिला समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां समाज सेवी और कांग्रेस नेत्री राजू चंदा द्वारा विधायक देवेंद्र यादव का साफा बांधकर स्वागत किया गया। विधायक देवेंद्र यादव की प्रेरणा और राजू चंदा की पहल से रीता महिला समिति द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। इन खाद्य पदार्थों की बिक्री और महिलाओं के लाभार्जन को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही पावर हाउस में नवनिर्मित मदर्स मार्केट में व्यवस्था बनाए जाने की बातें कही हैं। रीता महिला समूह की पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम है शिव देवी तिवारी, मैं रीता समिति से जुड़ी हुई हूँ और हमारे साथ 110 औरतें जुड़ी हुई हैं और हम खुद का अपना काम चालू कर रहे हैं और खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। और उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी देवेंद्र भाई साहब बोले हैं कि मतलब हम मतलब कुछ कुछ का देंगे कहीं भी। आज चंदा माँ ने आप लोगों को, और चंदा माँ तो हमको इतना बढ़ाया कि हम लोग सब घर में बैठे अपना खाली टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा बढ़ा दिए हैं कि सारी औरतें आ गई हैं अपने ताकत में। कुछ राशि भी प्रदान की गई, राशि भी हमें मिला है आगे बढ़ने के लिए भी, और 10,000 रुपया हम लोग को देती हैं माँ, और उसको उसी में हम लोग सब मिल के अपना आगे कार्य बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा मतलब चंदा माँ हमारा जो ना साथ दे, हम आगे बढ़े सारी औरत। मेरा नाम रीता है और मेरी समिति का नाम रीता समिति है, वार्ड नंबर 25 से है हम, और हमारा ये काम चालू हुआ है अपना मतलब मार्केटिंग का सारा सामान बनाए हैं, पूरा खाने पीने का सब मसाला हर एक चीज़ हमारी मार्केटिंग में है। और हमारे समूह में समिति में 110 महिलाएं हैं जो हम अपनी मार्केटिंग हम स्वयं कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बना है हम एक दूसरों के बीच में सेलिंग करके उसको इकट्ठा करते हैं पैसा को, फिर हम अपना काम दोबारा चालू करते हैं। और इसके पीछे जो हमारा काम चालू किए हैं वो हमारी चंदा माँ है जो हमें यहाँ तक लाई है और हमारे में इतनी शक्ति पैदा की है कि हम आज यहाँ पे हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी चंदा माँ को, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। और दूसरा धन्यवाद हम देवेंद्र यादव जी को देना चाहते हैं, हमारे बड़े भाई को, जो हमारे को हमें भवन दे के हमारे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें मतलब एक सहायता किए हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं हम। कांग्रेस नेत्री राजू चंदा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, चंदा माँ जिंदाबाद, चंदा माँ जिंदाबाद। मैं तो सबसे पहले नमस्ते करना चाहती हूँ कि पूरे महिलाओं के लिए बहुत प्यार आशीर्वाद। जो हमारे बच्चे ही हैं, हमेशा देखो तो उनका एक ही रहता था कि कोई हम लोगों को उद्योग देगा, कोई देगा करके वो तरसते रहते थे, और हमेशा बोलते थे कि 70 साल में कोई भी आगे नहीं आया कि उनके लिए मदद के लिए। तो सोचा चलो देखते हैं करके, तीरथ जाते थे तीरथ के लिए थोड़ा थोड़ा, मैं भी इतने पैसे वाली तो हूँ नहीं, लेकिन अंदर में एक जज्बा था कि महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने का। तो जो तीरथ जाते थे तीरथ के लिए पैसा निकालते थे, जो माता के मंदिर के लिए पैसा निकालते थे, हर साल माता के लिए 1,00,000 रुपया तो खर्च करती थी मैं दुर्गा माता के लिए। तो सोचा कि बेटियों भी तो दुर्गा ही माँ है, तो आज से मैंने ये मतलब 3-4 महीने से यही काम करती हूँ कि जो तीरथ बंद कर दिया मंदिर जाना, और क्या जो माता के लिए जो हर महीना पैसा निकालते थे, वो इन बच्चों के लिए मैं एक एक जन के 10,000 दे करके इनका रोज़गार चालू कर दिया। ऐसे 100 महिलाओं को चालू कर दिया, और भी लोग हैं जो करूँगी, जैसे 10 समिति में से अभी मैंने एक समिति को हाथ दिया है, और साथ में हमारे देवेंद्र यादव जी जो हैं उन्होंने बहुत सारा बहुत चीज़ किया है हमारे लिए। और मैं चाहूँगी कि अभी जिंदा रहने तक के साथ, अगर मैं जिंदा रहने तक के देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ही काम करूँगी। वैसे अच्छे इंसान के साथ काम करने से मुझे भी खुशी मिलेगी, और वो एक अच्छे राजा के तौर पे हैं। हम लोगों ने उनका नामकरण करा था जिस दिन उन्होंने हमारे यहाँ पे 8 तारीख को महिला दिवस में आकर के उन्होंने बहुत सारा प्यार सम्मान औरत लोगों को, जो उनके अंदर में जो दिखता है कि एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए जो आदर और प्यार उनके अंदर है वो दिखता है। तो मैं उनके इसके लिए करके मैं और भी उनके लिए मैं काम करूँगी, और महिलाएं हर महिलाएं हमारा जो भी समिति चलेगा हम देवेंद्र यादव के साथ में रहेंगे और उनके लिए करेंगे ही। एक अच्छा राजा चाहते थे देश के लिए, तो हमारे भिलाई के लिए तो एक अच्छा राजा मिल ही गया है। हम उनके साथ काम करेंगे और वो
हमें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए आगे आएंगे और मेरे से जितना भी बन पड़ेगा महिलाओं को आगे लेके आने के लिए, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहूँगी। बहुत बड़ा तो नहीं हूँ मैं, बहुत बड़े चीज़ों तक आगे नहीं जा सकती, लेकिन इन छोटी छोटी एक एक महिलाओं को आगे लाने के लिए मैं मेहनत करते रहूँगी और संघर्ष करूँगी। और मैंने पिछले कल भी फूलो देवी नेतान जी आ रहे हैं करके पता चला था, और सुभद्रा मैडम जी ने हम सबको बुलाया और वहाँ पर फूलो देवी नेतान नहीं आ पाए, तो हम लोग गए थे कल, 1000 महिलाएँ वहाँ पर, कोई बात नहीं वहाँ पर गए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जो एकता है, आप लोग जिस तरीके से एक संगठन में जुड़े हुए हैं, समिति में जुड़े हुए हैं, तो बहुत उम्मीदों के साथ आप लोग जुड़े हुए कि आने वाले समय में कि आप लोग अपने आर्थिक व्यवस्था को खूब संचालित और मजबूती से कर सको, एक अच्छी तरीके से मिलजुल के सोशल एक्टिविटी कर सको, तो निश्चित रूप से ये जो आप लोगों का विश्वास है ये पूरा होगा। और इसके लिए हम जो कर सकेंगे हम पूरी ईमानदारी से लगन से करेंगे, हम जो कर सकेंगे हमारी बहनों के लिए करेंगे। आप लोगों को सबको खूब सारी शुभकामनाएं। अभी भिलाई मदर्स मार्केट भी खुलने वाला है, तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट है ना उसके सेलिंग की व्यवस्था हम कोशिश करेंगे वहां पे बने कि आप लोगों का प्रोडक्ट वहां पर मिल जाए, ताकि मदद करेंगे। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा देर से पहुँचा, लेकिन क्या है आज विधानसभा सत्र 11 बजे से क्वेश्चन आवर चालू होता है, घर पे बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन मैंने आज एक प्रोग्राम महिला दिवस का लिया, वो आपका है कि मैं आज इस पे मैं तो जाऊँगा, बोला कि आप चले जाइएगा, बाकी यहाँ पे अम्मा ने बोला कि आना ही पड़ेगा, आप लोगों का विशेष वो आग्रह है, तो मैं पहुंचा और आप लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया, सम्मान दिया, स्नेह देते हो और जितने विश्वास से मुझे देख रहे हो, वो विश्वास मैं भी अपनी तरफ से बनाए रखूंगा। और समिति के कार्यों के दौरान, महिला समिति के कार्यों के दौरान अगर ऐसी कोई बात लगती है, कोई विषय लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए, तो आप मुझे बताओगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और समाधान भी करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये महिलाएं सुबह 7 बजे से आपका इंतजार कर रही थी, आज खाना बना के नहीं आया, महिला दिवस के दिन ऐसा क्यों आप, ये भाई से और इतने अच्छे भाई से मिलने के लिए सारे महिलाओं को भी जोश है, कि ऐसे हम लोगों को भी ये बहनों को ऐसा भाई चाहिए था जो सच्ची का मिले हमारी बनाया। गौरतलब है कि राजू चंदा द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने विभिन्न वार्डों में महिला समितियों का गठन किया गया है। गठन के पश्चात महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने वे विधायक देवेंद्र यादव से उनके आवास में महिलाओं के साथ मिली थी। विधायक की प्रेरणा से महिला समिति के कार्य का आरम्भ हुआ है। राजू चंदा ने अन्य क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक मदद मुहैया कराकर स्वरोजगार से जोड़ने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।